India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और अब मेरा वजीर आजम पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने 1 अरब डॉलर दे दिया. और ट्रस्ट मी, आई मेट एन इमाराती फ्यू वीक्स अगो और वो दे हैव ऑलवेज द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वेरी काइंड विद पाकिस्तान फॉर वन रीज़न और दी अदर. तो वो जो पाकिस्तान का शुक्रिया ना, वो कहते हैं यार ये क्या मतलब, हमसे शुक्रिया शुक्रिया करते रहते हैं. ठीक है, उनके लिए मसला कोई नहीं है. लेकिन देखिए ना, बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है. 84.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इंडिया और दुबई और उसकी यूएई की. अब इंडिया जो है थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है. अब ये देखें कि उनको तो ये अच्छा लगता है कि आप ट्रेड डॉलर्स की बजाय जो है वो अपने रुपए में करें. रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक ने, हमने इस पर डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने ये कहा कि हम तकरीबन 19 या 21 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं करेंगे. सो इंडिया बीइंग वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको अमेरिकन कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो ये कहते हैं उनको. और ये इंडियंस क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रुपी. वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, क्यों ना हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है. ठीक है जी, अब इंडिया इससे क्या होगा, अब जारी बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा. इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पर या इस पैसे को भेजें कहाँ, बिकॉज वो इंडिया से उस तरह चीज़ें इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे. लेकिन उनके पास वो कहते हैं वी हैव अ सफिशेंट इंडियन रुपी. अब कौन सी थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट होगी जो ये रुपया लेगी. ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते, देखें ये होती है व्हेन नेशन स्टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस, हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गाल करो कि तुम खचा मारन रहे हो इधर उधर करन रहे हो, लेट्स टॉक बिजनेस. सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा, हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई अबू धाबी कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है, हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती ना. पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीए की फ़्लाइट कनाडा जाती है, मुझे किसी ने बताया अगले दिन. हमारे जहाज़ों को कोई रिसीव ही नहीं करता, और एमिरेट्स कतर या बाकी जो है वो पाकिस्तान से कोई इतने कस्टमर ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट फ्रांस लैंड करें या डायरेक्ट शायद अमेरिका लैंड करें या लंदन लैंड करें. रस्ते सामने तो खिलौना होता है, साढ़ा तो स्टॉप ही स्टॉप है, हमें तो पता है जो है ना. इंडियंस का इंडियंस भी सारे खड़े होते होंगे, लेकिन बहुत सारी सारी बात है दे हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स तो वो डायरेक्ट जाते होंगे. लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा इंडिया का कि उनके डिफरेंट शहरों से कस्टमर आते हैं, लाइक दिल्ली से, पुणे से, मुंबई, इधर उधर से, तो उनको शायद इसलिए रुकना पड़ता है बिकॉज आप इंडिया इन्हें अरब एयरपोर्ट्स पे जाएं तो सारे आपको इंडियंस या पाकिस्तानी या देसी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं. बट एनी हाउ, अब ये होता है ना कि मोदी साहब वापसी पर रुके और ना कि यार मैं थोड़ा जाए मैं जो ये जो ठीक है जी ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट्स है ये एक एग्रीमेंट से साइन कर दूँ, उसका नाम है आई थिंक सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स एंड पेमेंट्स एंड फॉस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है जी, मैंने आपको पहले कहा बिगेस्ट ऑयल थर्ड बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है, कंज्यूमर है, यूएई के साथ 84 बिलियन डॉलर 85 बिलियन डॉलर की ट्रेड है. वो कह रहे थे 2030 में इसको 100 अरब डॉलर पर लेके जाना है. 2030 तो बहुत दूर है भाई, ये तो ऊपर क्रॉस कर जाना. ठीक है जी, और अब मज़े की बात यह है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये कहा है कि जो इंडिया के दो सेंट्रल बैंक हैं वो इस बात पे भी एग्री कर गए हैं कि वो इंडिया का वो लिंक करेंगे इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो यूएई का है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म.
सो इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूएईज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है इनको आपस में लिंक करेंगे। दुबई से इंडिया पैसे भेजना ऐसे ही होगा जैसे बस दिल्ली तो मुंबई पैसे भेज रहे हो, जिस तरह रिसेंटली अभी इंडिया ने सिंगापुर के साथ किया है। सो अब आप इमेजिन कर लें, ठीक है जी, कि एक दिन के लिए वो शेख मोहम्मद बिन जैद से मिले हैं, लेकिन उससे पीछे उन्होंने पूरी जिसे कहते हैं ना अपनी इस्टेब्लिशमेंट नो ध्याने लाया, ऐ करो ओ करो ये करो वो करो। अब ये चीज़ें तो पता चलती है ना कि क्या है, ठीक है। अब इंडिया यूएई की भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है जी। और ये आप इमेजिन करें, ये सिर्फ इधर नहीं है, ये एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, इधर उधर लटरम पटरम बहुत सारी जगहों में भी जो है वो पार्टनरशिप है। और यूएई के पास प्रेसिडेंसी है उसकी COP28 की, और इंडिया के पास G28 की। अब ये जो से वो कहते हैं ना, इंडिया ने क्या किया है, हमारे हमारे उधर कहते हैं कि जो है ना वो एक्टिविटी दिखाती है। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने G20 में कुछ ममालिक को स्पेशल इन्वाइटी कर लिया, ठीक है। इंडिया के पास ही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मोदी साहब के पास ही लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अब होता क्या है कि अब आपने इनको स्पेशल इन्विटेशन भेज दी है। अच्छा, जब स्पेशल इन्विटेशन भेजे उसमें, ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द G20, लेकिन स्पेशल इन्वाइट कर लिया। मैं मेरे घर रोटी पकी है, तो मैं भावें 10 बंदे सदा या 20-25 बंदे सदा, किसी ने की इतराज़ है। तो उन्होंने कहा 20 तो आने ही आने हैं, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, सो एंड सो, नाल को 15 में 11 भी साथ लो, उनको बताओ कि हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और इनको ये बताओ कि देखो मैंने आपको G20 में किया है, मैं थोड़े हमारे साढ़े पंजाबी कहते सान चढ़ाना, ठीक है जी, ए लो सान चढ़ाता जनाब, ठीक है जी। सो ये जैसे मोदी साहब करते हैं, हमारे मोदी साहब हमारी जो लोकल जो सिस्टम है उसको बड़े अच्छे से जानते हैं, सान चढ़ा देते हैं, एक ही करते हैं, हर जो है क्या नाम है 26 जनवरी को सान चढ़ाता किसी एक लीडर ने, मोहम्मद बिन जैद पे भी चढ़ाया हुआ है, एमनुअल मैक्रॉन पे भी चढ़ाया था, ओबामा में भी चढ़ाया था, इजिप्ट वाले में भी चढ़ा दिया, और पता नहीं कितने सारे हैं, मुझे ब्राज़ील वाले पे चढ़ा दिया, ठीक है जी। इस तरह के मतलब जारी बात है, मोदी साहब के टेन्योर में 10 आए हैं, तो 9-8 तो पहले शायद 1-2 साल तो उनको नहीं समझ आई होगी है, वो भी पता नहीं सान चढ़ाए होंगे, 10 बंदियां 10 लीडर से सान चढ़ाता है, ठीक है जनाब। एंड देन एट द रिटर्न उन्होंने भी सान चढ़ाना था, ठीक है। अभी मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अगस्त में साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वो उनका कुछ वो है, ठीक है। और आपको मजे की बात बताऊं, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका रिलेशंस ए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैज ट्रेवल्ड टू साउथ अफ्रीका, दिस इज व्हाट आई लर्नड, आई मे बी रॉन्ग, कुछ चेक करके कर सकता, लेकिन मेरे पास जो इतलात है उसमें मुताबिक पाकिस्तानी को सदर वजीर आजम कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। उन्होंने बेचारा उन्होंने समझ नहीं ना, कोई पैसे को नहीं आए ना कोई लैंड जाए, हमारे लीडर गलत पेट्रोल नहीं जाया करते, मुझे इस बात की इनकी बहुत अच्छी लगती है, एवं जहाज तो बह के इधर पाजते पूछते नहीं देंगे दे। उस मुल्क जाते हैं जहाँ से उनको पता है कोई पैसे चार, हमारे पंजाबी में कहते हैं चार छिल्लू मिलना, जहाँ से वो उनको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब ये जो पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो शान चढ़ाया हुआ G20 का सबको, अब COP28 इनके पास है, इंडिया बड़ा स्मार्टली प्ले इस तरह कर रहा है कि इंडिया एनवायरनमेंट के नाम पे वो जो है बहुत सारी फंडिंग ले रहा है। हम तो एनवायरनमेंट में जाके फंडिंग लेते हैं ना, वो जो फैक्टर है उसे क्या यतीमी फैक्टर, ठीक है, विक्टिमहुड का नैरेटिव डालते हैं, पायन साढ़े बंदे मार के आए, पायन हमारी सड़कें टूट गई हैं, पायन हमारे जानवर खत्म हो गए, पायन वो इंडिया का कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि मैं आपके साथ, देखें मैं COP28 में आपके साथ हूँ, इससे पहले COP27 था, इससे पहले कुछ और था, मैं आपके साथ मुआहदे करने को तैयार हूँ, मैं 2070 तक आपको रीन्यूएबल जो है एनर्जी वो जो उसको है क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट करने को तैयार हूँ, पर आप ये करें, आप हमें कोई फंड भी जारी करें ताकि हम उसमें आसानी पैदा। सो इंडिया जो ग्रीन इनिशिएटिव है और जो ग्रीन फंड है उसमें से अच्छे भले पैसे लेके तो इंडिया बहुत सारी अपनी चीज़ें जो उनको कन्वर्ट करेगा, 2070 तक होना नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, इंडिया इज़ टू बिग, बट टाइम भी बहुत है ना यार, अभी टाइम भी तो कोई नहीं, 50 साल पड़े हो, 50 साल में बहुत कुछ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा कुछ कर सकते हैं ये, इसमें 50 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम है बाय द वे, जस्ट नॉट टेक दिस इज एन ओवर स्टेटमेंट। सो ये जो चीज़ें हैं वो समझते हैं कि पाइन ए जो जो है चीज़ है ना ये सही है कि हम आप वो क्या करेंगे, वो ग्रीन
ग्रीन फंड लेंगे, ग्रीन इनिशिएटिव को फंड लेंगे, हम विक्टिम मोड पे बात करेंगे, वो कहेंगे हम देखें इस इंडस्ट्री को इधर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमें पैसा दें इतने बिलियन इतने मिलियन, ठीक है हम ये करेंगे, और पाकिस्तान को तो उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हम विक्टिम मोड नैरेटिव कहते हैं कि जी वी कॉन्ट्रीब्यूट लेस टाइम लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस, कार्बन एमिशंस, सो वी डिजर्व मोर एंड वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ हाइएस्ट जो कि ग्लोबल आज की जो कैटास्ट्रॉफिक एनवायरनमेंट सो एंड सो, तो हमें वो करें वो, फिर विक्टिम मोड नैरेटिव चलाते हैं हम, जाकर जिधर जाना है विक्टिम विक्टिम विक्टिम, और वो कहते हैं नहीं हम तो ये नहीं करेंगे। सो ये चीज़ें हैं, मैं तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहता हूँ बड़ी मुश्किल जॉब है यार, इज़ ए यंग पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, ज़ाहिर बात है ही इज़ ओनली उनके जो CV पे जो सबसे बड़ी क्रेडेंशियल है दैट ही इज़ अ सन ऑफ बेनजीर भुट्टो साहब एंड सन ऑफ आसिफ अली ज़रदारी एंड ग्रैंड सन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो साहब। सो वो 36 साल की उम्र में फॉरेन मिनिस्टर बन गया, वही काम इंडिया में डॉक्टर जयशंकर को रिटायरमेंट के बाद मिला, फ़र्क तो होता है ना, ठीक है। सो लेकिन इतनी पोटेंशियल यंग मैन ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ, लेकिन हम दें जनाब मंगल नाग पे, उस मुल्क जा रहे हैं मंगन, उस मुल्क जा रहे हैं मंगन, बिकॉज घर में जो औलाद हैं वही बाहर बताने हैं ना जाके। सो जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है दैट इज़ जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ इट्स डोमेस्टिक जो भी मैच चल रहा है, जो चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब जो ये मोदी साहब ने ये जो दौरा किया है UAE का, ठीक है जनाब, इसमें आप देखिए अगर नाल सऊदीज ने भी असेसमेंट करनी की है इतने यार, पता करो ना की कर रहा है, ओमान भी थोड़ा देखेगा यार ये क्या कर रहा है, इजिप्ट आएगा यार ये UAE में मोदी साहब आए हुए थे क्या करके गए, तो सारे फॉरेन जो वो मिनिस्टर्स हैं वो करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें हैं इंडिया और UAE दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, अब हमने मोदी ने ऐसे रिवर्स कर लिया चीज़, UAE पार्टनर ढूंढ रहा था इस खत्ते में, बड़ा मुल्क उनको मिल गया, सीरियस मुल्क मिल गया, 85-86 अरब डॉलर, हम उनको कहते रहे पूरी ज़िंदगी पाए ना इंडिया जरा जाना ये चंगा ये मुंडे चंगे नहीं हैं, इन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ ये वो ना क्या पराठो यार, हम आप कश्मीर हमें इसराइल से जबकि डाल ली आप क्या चीज़ है, एंड दे डिड इट एब्सोल्युटली व्हिच वाज इन द नेशनल इंटरेस्ट, एंड वन शुड डू व्हाट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट रादर देन थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। ये जो आइडियोलॉजी की बेस पे फॉरेन पॉलिसीज होती थी ये दे हैव गॉन अवे, मुझे नहीं लगता ये दे आर गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। आप ट्रेंड चेक कर लें यूरोपियन यूनियन में, ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप में, सारे में, ठीक है। सो ये जो अब देखें ना US, UAE, इंडिया और इसराइल का क्या आपस में आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन क्या के फ्यूचर बिजनेसेस, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं जिनको वो देख रहे हैं। आज मैं कह बात हूँ COP28 में इंडिया को जिस तरह मोदी साहब को वो उठाएंगे ना, आपकी सोच है, ठीक है जनाब। और ये चीज़ें जो हैं वो कह रहे हैं जी हमने जो ग्रीन हाइड्रोजन में काम करना है, सोलर एनर्जी ग्रिड कनेक्टिविटी में काम करना है और इंडिया से फ़ायदा लेना है, और वो क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट जो है टेक्नोलॉजी वो उधर ले गए हैं, तो वो ले गए हैं तो दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर एनर्जी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ हमारे मिनिस्टर साहब ये नाम भी नहीं ले सकते, यकीन करके मानो मिनिस्टर साहब ये नाम नहीं ले सकते, ठीक है जी, कि जनाब ये चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। साढ़े मिनिस्टर ने मैं एक दफ़ा सुनया सी, एक दफ़ा मैं किसी फोरम पे था बड़े क्लोज ग्रुप की नॉट इन पाकिस्तान, तो मैंने साहब को नींद आ गई थी बात करते करते, वो तो जारी बात है दोपहर में लंच कर लेते हैं, वो लंच कराते हैं होंगे अभी बंदे सफ़र में भूख में नींद आ जाती होगी, कुछ जारी बात है वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट तो तब हो कि जब अपनी तकलीफ़ हो, इंटरेस्ट नहीं होता तकलीफ वो चीज़ें ही नहीं होती जो होनी चाहिए। बहरहाल एनी हो मैं किसी पे पर्सनल पे नहीं जा रहा, लेकिन वो जो चीज़ है, ठीक है जी। सो ये जो सो क्लाइमेट पे एंड बहुत सारी चीज़ों पे दोनों लीडर्स ने किया है, हमें जो चीज़ें करनी है ना वो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें देखें वो 2.6 मिलियन इंडिया के स्टेम साइंटिस्ट हैं इंडिया के पास जिन्होंने पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा की करना है। अभी तो मैंने आपको ये जो मोदी साहब ने वो जो उधर मैं उधर फ्रांस में किए हैं
ठीक है, मैक्रोन साहब, पाकिस्तान का आपको पता है ना, मैंने बताया था कि पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी लेवल से ज़्यादा डायलॉग नहीं है फ्रांस के साथ। फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे, फुल ऑफ ब्यूटी, रिच इन हिस्ट्री। मुझे काफ़ी दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है फ्रांस। खूबसूरत जैसा कहते हैं ना, मुल्कों में से मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। सो ये जिसे आप कह लें कि दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी टू सी कि भाई हमने क्या करना है, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। हमने इंडिया का जो है वो, उन्होंने रशिया से 400% ट्रेड बना ली, ठीक है जी। वो इनके साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं अभी। वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंडिया जो है वो अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यूएई के, यूएई इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करेगा एंड पैसे ट्रांसफ़र होंगे टक टक टक, ठीक है। तो ये है वो चीज़ें देखने की। क्या हमारे लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का यार? इन्हें सुते इनको नहीं समझ आया कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा? सब पता है इनको भी, लेकिन वो जारी बात है, इसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम सारे कहते हैं काम कोई और करे, फ़ायदे हासिल हुई, काम कोई और करे, फ़ायदे हम लें। सो ये हमारी चॉइस ही होती है, काम कोई और करे, खाते साढ़े पे आ जाए। मे बी ये नेशनल साइकी है। हमारे जो सीनियर्स होते हैं मुख्तलिफ अदारों में, वो कहते हैं बच्चों को प्रेजेंटेशन तैयार करो तो मैं पेश कर देंगे, उससे जो बड़ा होगा वो अपना क्रेडिट लेना चाह रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर भी जो मुल्क के अंदर चीज़ें में क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, करना कोई भी नहीं चाह रहा। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमें बड़ी तकलीफ़ देती हैं कि भाई वो फिर बात वही आ गई, वही लोग हैं, वही वैसे ही हैं, तैसे ही हैं, कोई डिफरेंट तो नहीं है। कितनी देर तक मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान का इस्लामिक कार्ड को बर्दाश्त करती रहेगी, ये क्वेश्चन है कि ये जो इस्लामिक कार्ड है ये कितनी देर पाकिस्तान चला सकता है। अफगानिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया का पहला मुल्क है जिसने